ये कंपनी है आइस मेक, आइस मेक रेफ्रिजरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया इनका काम कुछ बर्फ वगैरह जमाने का है, लेकिन बड़ी छोटी सी कंपनी है, ज़्यादा कुछ मतलब साइज नहीं है। अभी क्या लग रहा है, इन्होंने 820 पे खरीदा हुआ है, तो अभी शायद थोड़ा सा इनको नुकसान होगा। तो क्या करना चाहिए आगे, इन्हें 820 पे लिया हुआ है तो कुछ समय पहले ही हाल में लिया होगा, या फिर जब अचानक से इसमें बड़ी चाल बन गई थी उस समय लिया होगा, तो उसके बाद से फिर ये 900 साढ़े 900 के बीच में जा करके अटक गया, वहां से वापस नीचे आ रहा है। जी, मेनली इनका जो बिजनेस है कोल्ड स्टोरेज का, ऐसा लग रहा है कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस आगे जाके बढ़ेगा, ऐसा तो मतलब फ्यूचर में तो मुझे लगता है। बिकॉज देखिए, आगे जाके ना लॉजिस्टिक्स, चाहे वो किसी तरह की हो, स्टोरेज वेयर हाउस किसी भी तरह का हो, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। अगर बिजनेस बढ़ेगा ना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मान के चलिए कि आपका लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस, इन सब का रिक्वायरमेंट, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, इन सब का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। मुद्दा यह है कि जो ग्रोथ ये देंगे उसके अगेंस्ट आप वैल्यूएशन क्या देंगे, इससे ज़्यादा और कोई मुद्दा नहीं है। तो 25% पे सेल्स ग्रो करा रहे हैं, आपका नेट प्रॉफिट भी आप देखें तो इनका अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। 9 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 14 करोड़। तो अगर मेन चीज़ है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप ध्यान रखें, डेट भी इनके पास ज़्यादा नहीं है। अगर ये 50 टाइम का पीई मांगते हैं और अगर इनका आप ईयरली ईपीएस ग्रोथ अगर 50 टाइम का होने लगता है, तो 2 साल में आपका और इसका वैल्यूएशन जो इतना महंगा है आधा दिखने लगेगा। तो ये सब छोटी कंपनीज अगर आपको अपने पीई लेवल के ऊपर का ग्रोथ देते रहते हैं, तो ये फिर महंगा नहीं बनता है, कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन का बनता है। तो पहला काम क्या करना चाहिए कि आपको इस कंपनी को ट्रैक करना चाहिए। बिना ट्रैक किए हुए किसी भी कंपनी में, कि समझे हुए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिजनेस अच्छा है, बिजनेस की क्वालिटी भी ठीक ही लग रही है इनकी, आरओई, आरओसी सब ठीक लग रहा है, कहीं पे कोई खराबी ज्यादा दिख नहीं रही है, एक्सेप्ट कि थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर ऐसा ग्रोथ रहेगा तो ये वैल्यूएशन भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इस चीज को वॉच कीजिए, हर बार का रिजल्ट देखिए कि डिरेल तो कहीं नहीं हो रहा है। कंपनी क्या कहती है वो सुनिए, इसके एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए और उसमें जो प्रोजेक्शंस हैं, जो कंपनी ने कहे हैं बातें, कही हैं बातें, उसको ट्रैक कीजिए, तब आप इसमें बने रहिए। ओवरऑल चीज़ें मुझे ख़राब तो फिलहाल नहीं दिख रही हैं। अब रही बात कि इसका प्राइस के हिसाब से मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है अभी। ओके, मूवमेंट ज़्यादा है का मतलब करेक्शन, कूल ऑफ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन दिखता है। पहला सिचुएशन ये दिखता है कि आज दिन है बुधवार, यानी कल मंगलवार, तो 27 जुलाई, कल का जो लो था ना वही इसका सपोर्ट है। अगर वो है तो यहीं से रिवर्सल होने के चांसेस हाई रहेंगे, और अगर 8:30 के ऊपर क्लोज हुआ तो रिवर्सल के चांसेस, प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो यही दो रेंज है, दो लेवल है, इसके बाद आप इसकी वैल्यूएशन करिए। जी। अच्छा, वैसे पिछली चर्चा में हम लोगों ने सीजनैलिटी पे थोड़ी बातचीत की थी, और इसके परफॉर्मेंस में मतलब इसके बिजनेस में कहीं ना कहीं ये सीजनैलिटी दिख रही है, क्योंकि हर बार मार्च क्वार्टर में इनकी सेल्स बड़ी अच्छी रहती है, उसके साथ साथ मुनाफा भी अच्छा हो जाता है, और उसके बाद फिर जून सितंबर दिसंबर थोड़ा थोड़ा मतलब घटते हुए फिर बढ़ना शुरू करते हैं, फिर मार्च में एक नया टॉप बनता है। तो ये हर बार आप मार्च में देखें तो आपको पहले से बढ़ा हुआ नंबर मिलेगा, सेल्स का भी मुनाफे का भी, लेकिन उसके बाद वापस फिर अगली तिमाही में ये हल्के पड़ जाएंगे, तो शायद जून तिमाही के जो आंकड़े आएंगे वो इतने अच्छे फिर वापस नहीं आएंगे। मतलब पिछली बार से तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट दिखेगी, ऐसा लग रहा है इस ट्रेंड को देख के। मैं इस कंपनी को नहीं जानता राजीव जी, लेकिन जिस तरह से मैं इसकी लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या है, आपको अगर कोल्ड स्टोरेज चाहिए तो आज तो बुक नहीं करेंगे आप, एडवांस में बुकिंग करेंगे। आपका गर्मी का महीना कौन सा है? मार्च से लेके जून तक का मोस्टली, यानी जो जी आपकी प्री प्री बुकिंग है, कंपनी हमेशा प्री बुकिंग पे जाएगी, प्री बुकिंग आपकी मार्च क्वार्टर तक हो जाएगी जो भी होनी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सीजनैलिटी हमें मार्च क्वार्टर में दिख रही है, मेरा ऐसा, मेरी ऐसी रीडिंग है, बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, इसके लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इस लॉजिक से, चूंकि इस कंपनी का जो बिजनेस का नेचर है, मुझे लगता जी है मैं जो कह रहा हूँ वो लॉजिक सूट करती है। जी ये शायद सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि अगर किसी को कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो उसको ये बना करके देंगे, शायद इस तरह का बिजनेस है, तो हर बार गर्मी से पहले इस तरह के बिजनेस में तेजी आती होगी, क्योंकि जो भी लॉजिक तो वही इंस्टॉलेशन करना है, जो भी इंस्टॉलेशन होना है वो तो
जाहिर सी बात है कि मार्च से पहले पहले आपको इंस्टॉलेशन करके अपना कोल्ड स्टोरेज और जो भी आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको आपको बना लेना होगा। कारण ये भी है कि देखिए आपका दिसंबर क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है, जो भी आपके वो टाइम फ्रेम है, कुछ तो समय चाहिए ना बनाने के लिए। तो जी आपका जून और सितंबर क्वार्टर ठंडा है, लेकिन दिसंबर से थोड़ी इसमें गर्मा गर्मी शुरू हो रही है। जी तो इस सीजनैलिटी का भी साथ में जरूर ध्यान रखना चाहिए। मौलन शाह जी को अगर इसमें मतलब एक तो लेवल्स का ध्यान जो सुमेश जी ने बताया वो ध्यान में रखना ही है, लेकिन साथ में इसका सीजनल जो नेचर है उसको भी जरूर ध्यान रखना चाहिए।